उपायुक्त विवेक ठाकुर ने कीरतपुर मनाली फोर लेन परियोजना के तहत मंडी जिले से जुड़े मामलों के समाधान के लिए गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सड़क पर बने खतरनाक गड्ढों को अगले 4 दिन में भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्त सभागार में हुई इस बैठक में जड़ोल सुंदरनगर सड़क में कुछ जगहों पर बने खतरनाक गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को हो रही दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए। NHAI अधिकारियों को कहा कि फोर लेन के काम में लगी कंपनियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि फोर लेन परियोजना के पूरे स्ट्रेच पर आबादी वाले इलाकों में नियमित अंतराल पर पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव करवाने की उपयुक्त व्यवस्था हो, ताकि लोगों को धूल मिट्टी उड़ने से होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण कार्यालय के अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों को फोर लेन परियोजना प्रभावितों की जमीन के इंतकाल से जुड़े मामलों को 10 दिनों में निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंतकाल दर्ज करवाने के जो मामले शेष रह गए हैं, उन्हें इस अवधि में हर हालत में निपटाएं। ऋत्विक ठाकुर ने संबंधित SDM को अपने क्षेत्र में प्रत्येक फोर लेन परियोजना प्रभावित पंचायत में जाकर स्थानीय प्रधान व अन्य पदाधिकारियों व प्रभावित लोगों से बैठक करने के निर्देश दिए। कहा कि बैठक में परियोजना के तहत वहाँ पुलिया निर्माण कहाँ प्रस्तावित है और लोगों की राय में वे कहाँ बननी चाहिए, इसे लेकर लोगों के सुझाव लें व 15 दिन में रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपे। उन्होंने SDM को ये भी निर्देश दिए कि वे संबंधित क्षेत्र में फोर लेन परियोजना के लिए हुई कटिंग के कारण घरों को आने जाने के मार्ग बंद होने के मामलों को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंपे। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर उन सभी प्रभावितों की सूची तैयार करें जिनके घर कटिंग के कारण फोर लेन के लेवल से ऊपर अथवा नीचे रह गए हैं, जिस कारण घरों के आने जाने का मार्ग बंद हो गया है। NHAI ने ऐसे सभी मार्गों को पुनः बहाल करने की बात कही है। बैठक में फोर लेन प्रभावितों की सामूहिक समस्याओं से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा के साथ ही समिति की पिछली बैठक के लिए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई। इस दौरान फोर लेन संघर्ष समिति व संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने लोगों की समस्याएं रखी। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, SDM बल डॉक्टर आशीष शर्मा, SDM सुंदरनगर राहुल चौहान, NHAI के अधिकारी, फोर लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश महंत, फोर लेन संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर बालिया, समिति के अन्य सदस्य, प्रभावित लोग, NHAI के अधिकारी व परियोजना में कार्यरत कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिरमौर में एक छोटे से गांव में स्थित बद्री का आश्रम, जहां महिलाओं को सुदृढ़ स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बद्री का आश्रम द्वारा अब 2 गांवों को गोद लिया गया है। इन गांवों की कायाकल्प करने के लिए बद्री का आश्रम के संस्थापक ओम साई हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इस आश्रम में मन की शांति के लिए लोग देश विदेश के कोने कोने से आते हैं, वहीं आसपास के गांव की महिलाओं को निशुल्क सिलाई सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। यहां से सिलाई सीखकर अब महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी हैं। आश्रम द्वारा जहां गांव की प्रत्येक बेटी को 250 रुपए पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं, वहीं गाँव के घरों में जो भी उम्र में सबसे बड़ी महिला है, उसे 1000 रुपए की आर्थिक सुविधा दी जा रही है, ताकि वे स्वावलंबी बन सके। जब ओम साई से महिलाओं को दी जा रही आर्थिक मदद का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि
वे मानते हैं कि जिस घर में महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है उस घर में बच्चों का संस्कार श्रेष्ठ होता है, उस घर की सोच में संकीर्णता नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक देश की महिलाओं को स्वावलंबी और स्वतंत्र नहीं बनाते। ओम साई ने कहा कि जब जब महिलाओं को अवसर प्रदान हुए हैं उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक मन की शांति नहीं मिल सकती जब वे दयालु ना हो। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे गुरु हुए हैं जो दूसरों को बचाने के लिए खुद सूली पर चढ़ गए। उन्होंने बताया कि लोग गुणवान, धनवान और स्वरूपवान हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे दयालु नहीं है वे मन की शांति नहीं पा सकते। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को संसद में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा देशभक्त बताने पर युवा कांग्रेस आग बबूला हो गई है। हिमाचल में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। सोलन में युवा कांग्रेस ने कोटला नाला में धरना प्रदर्शन किया और साध्वी प्रज्ञा का पुतला भी फूंका। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साध्वी प्रज्ञा के संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की और ऐसा न करने पर कांग्रेस द्वारा प्रदेश और देश भर में सड़कों पर उतरकर पीएम मोदी और अमित शाह के पुतले फूंकने की चेतावनी दी। हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लोकतंत्र के मंदिर में आपत्तिजनक बयान दिया है वो किसी को अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि जिस महान नेता ने देश को आजाद करवाया और जिसकी हत्या गोडसे ने की, उस हत्यारे को लोकतंत्र के मंदिर में बिठाकर प्रज्ञा ने उन्हें देशभक्त करार दिया है। इस बयान की पीएम मोदी निंदा तो कर रहे हैं लेकिन साध्वी पर कोई कार्रवाई नहीं की है।